अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर आज हम 6 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कल की क्लास में हमने की थी और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए इसमें बकासिदा देखो बेटा, 542 मल्टीप्लाइड बाय 92 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 542। देखिए इसकी वैल्यू हमें चाहिए। वैल्यू किस, देखिए हमेशा के लिए पहले मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। बॉटमॉस रूल जब आप पढ़ेंगे, बॉटमॉस पहले ब्रैकेट ऑर्डर होता है क्योंकि उसमें स्क्वायर ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रैकेट होता है, राउंड ब्रैकेट होता है। तो पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली को, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद जब ब्रैकेट हम सॉल्यूशन कर लेते हैं तो फिर बॉटमॉस पर डिवीजन होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। बॉटमॉस का मतलब क्या, देखिए BODMAS, बी का मतलब ब्रैकेट ऑर्डर हो जाएगा, मतलब ऑर्डर ब्रेकिंग की। तीन ब्रैकेट्स होते तो पहले आपने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर कर्ली को सॉल्व करना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, ठीक है। एक चीज़ फिर डिवीजन होती है, ये डिवीजन के लिए आता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आपने इस ऑर्डर को फॉलो करना होता है, ठीक है। पहले ब्रैकेट को ऑर्डर में सॉल्व करना है, ब्रैकेट को ऑर्डर में सॉल्व करना है, उसके बाद डिवीजन। अगर ये सारी चीज़ें किसी क्वेश्चन के अंदर हो तो फिर आपने इस को फॉलो करना है। अगर कम चीज़ें हैं फिर भी आपने यही फॉलो करना है। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन के अंदर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है तो पहले आप डिवीजन कर देंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर बाद में सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन ये ऑर्डर आपको फॉलो होना चाहिए, इसमें से कोई आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जब हम देखेंगे तो ये देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये वाली देखिए 542 मल्टीप्लाई बाई 92, और ये भी मल्टीप्लिकेशन है। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, बाद में फिर इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेट्स से मैं आपको उस बोर्ड पे करके दे रहा हूँ, तो ये आपको वैसे बल्कि 542 मल्टीप्लाई बाई 92 तो आप कर सकते हैं ना, 8 मल्टीप्लाई बाई 542 तो आप कर सकते हैं ना, इनको प्लस भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है, होमवर्क हो गया आपका, सही है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, इसमें ये आपने देखिए मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है, इससे जो रिजल्ट आ जाएगा और इससे जो रिजल्ट आ जाएगा उन दोनों को फिर ऐड करना है, प्लस करना है, गॉट दिस, ठीक है। इसमें देखिए आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन पहले करनी है, 365 मल्टीप्लाइड बाई 99 प्लस 365। अब इन दोनों को पहले करें, जो आंसर आ जाए उसके साथ 365 प्लस कीजिएगा। तो ये होमवर्क है आपके लिए, आपने उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स है, ठीक है। आपने ये देखना है कि ये जो इक्वेशंस हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। मैं अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दे दूं तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन रहा है, 6 डिवाइडेड बाय 4, देखिए ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, ये 6 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट के अंदर है और डिवाइडेड बाई 2। अच्छा एक मिनट बैठाइए, जस्ट वेट। तो ये 16 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहला ने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ये 16 डिवाइड बाई 4 4 4 16 आ जाएगा, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा इज इक्वल टू, ये 16 डिवाइडेड बाई, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, 2 2 4 2 आ जाएगा। अब 4 डिवाइड बाई 2 से क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 16 डिवाइड बाई 2 से क्या आएगा, 8 आ जाएगा। ये इक्वल है, दे आर नॉट इक्वल, तो ये रॉन्ग हो गया ना। तो पहले आपके पास क्या आ रहा है, पहले आपके पास ये फॉल्स आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, फर्स्ट वन जो आपके पास ये वाला आ रहा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट वन, ये वाला, दिस वन इज फॉल्स, ठीक है। पार्ट 2, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब यहाँ पे देखें कि 5 6
30 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या बनेगा? 4 0 जा 0, 4 3 जा 12, 120 आएगा? हाँ. ये 120, इधर देखिए, 4 5 जा? 20 मल्टीप्लाइड बाय 6? 120, सेम आ रहा है ना, तो ये ट्रू आपके पास आ रहा है, ठीक है, सेकंड वाला ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है. आपने इसको क्या करना है कि इस जिस तरह से मैंने बोर्ड पे सॉल्व करवा दिया, आप इसको रफ कॉपी में इस तरह से सॉल्व करें. आपके पास अगर आंसर सही आ रहा है तो ट्रू लिख दीजिएगा, अगर गलत आ रहा है तो उसको फॉल्स कर दें, ठीक है. ये वाला क्वेश्चन, ये वाला देखें, 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 से क्या बनता है बेटा? 12 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 3 12, 12. लेकिन 4 मल्टीप्लाई बाय 12 से क्या बनेगा? ये डिसिमल में आ जाएगा. अगर मैं आपको बता सकूं तो 0.12 3 36 हो जाएगा, और 0.3333 इस तरह से. ये मैं करा दूं आपको, देखिए इस तरह से आपके पास ये आ रहा है. मैं इसको मिटा देता हूँ. जैसे 4 डिवाइड बाय 12 से क्या आता है? 4 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइड नहीं हो सकता ना, तो हम एक पॉइंट लगा के, डेसिमल लगा के जीरो लगा देंगे. 12 3 36 फिर से क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, फिर जीरो लगा देंगे. अब हम एक जीरो लगा सकते हैं. 12 3 36 फिर 4 आएगा, फिर 12 3 36 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, ख़त्म नहीं होगा. तो 0.33333333 रिकरिंग डेसिमल इसको कहते हैं, ठीक है. तो अब ये आपके पास ये आंसर है. तो अगर हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं मिसाल के तौर पर, ये जो क्वेश्चन है ये फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि एक तो 4 3 आ रहा है, दूसरा 0.3333 आ रहा है, ठीक है. तो आपका फॉल्स हो, ये मैंने करा दिया. चले अच्छा, इनमें देखें 20 + 10 / 2 पहले हम क्या करेंगे मुझे बताएं? प्लस, इधर नीचे देखो इसमें क्या चीज आ रही है? प्लस डिवाइड. हाँ, तो पहले हम क्या करते हैं? डिवाइड, डिवीजन करते हैं ना. तो तुक्का मार रहे हो, 2 5 10 5 आ जाएगा, प्लस 10 20 सॉरी प्लस 25 हो गया ना, ठीक है. तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आ रहा है? 25 आ रहा है. और 30 / 2 क्या आ रहा है? 30 / 2 15 आ रहा है. तो ये फॉल्स हो गया ना यार, एक तरफ 25 आ रहा है, दूसरी तरफ 15 आ रहा है, फॉल्स हो गया, ठीक है. 5 / 0 इज इन्फिनिटी कहलाता है ये, लेकिन चले आप जीरो लिख सकते हैं, लेकिन इधर 5 लिखा हुआ है तो ये फॉल्स है. आप क्या है? 5 / 0 = 0. अब आगे जाके फिर पढ़ेंगे कि 5 / 0 इन्फिनिटी कहलाती है, लेकिन यहाँ पे आप इस टाइम आप इसको ज़ीरो लिखेंगे. छोटी क्लासेज में ये ज़ीरो के बराबर, इन्फिनिटी भी तकरीबन ज़ीरो के बराबर होती है, तो इसलिए ज़ीरो, ठीक है. 0 / 4 = 0, दिस इज़ ट्रू, ठीक है. तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था जो कि हमने सॉल्व कर दिया. अब आगे आइए, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि हमने सॉल्व करना है. ये देखिए इधर इसके अंदर, ठीक है, ये मल्टीपल एमसीक्यूज है और हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है. कितने हैं? 6 है, ये 6 एमसीक्यूज है, इसको सॉल्व करना है. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. है द नेचुरल, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद 0 एडिड टू इट बिकम सेट ऑफ होल नंबर्स. जब आप नेचुरल नंबर के साथ, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कौन से होते हैं बेटा? 1 2 3 4 जो 1 से स्टार्ट होते हैं और ये आगे जाके इनफाइनाइट सेट आपके पास आ रहा है, ठीक है. और अगर हम उसके होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर 0 10 20. ओह माय गुडनेस, 0 10 20, व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाट्स रॉन्ग? होल नंबर्स क्या होते हैं, भूल गए? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या हो गया बेटा? कल मैंने पढ़ाया हुआ है. 0 10 कहाँ से आ गया, 20 30 कहाँ से आ गया? आप 10 का टेबल पढ़ रहे हैं. होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यू गॉट दिस? अब आप नेचुरल नंबर में 0 शामिल करते हैं. ओह, इधर बेटा कह रहे हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद 0 एडिड टू इट बिकम सेट ऑफ होल नंबर्स. नेचुरल नंबर के साथ अगर आप जीरो शामिल कर देंगे
तो होल नंबर्स बनते हैं। हाँ तो यही तो है, यही तो क्या रहते हैं, ट्रू है ना, बी इज द आंसर। ठीक है, जब आप नेचुरल नंबर में जीरो शामिल कर देंगे तो नंबर्स क्या बनेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो कि होल नंबर्स कहलाते हैं, तो आपका ये ट्रू है। नंबर टू, पोजीशन ऑफ 4 एंड द नंबर, इसमें बताइए मुझे जरा ये क्या है। तो 4 की पोजीशन क्या है, 1000, पार्ट ए इज द आंसर। ओके, पोजीशन ऑफ 8 इन द नंबर, इसमें यूनिट 100,000, तो इसका अंदर क्या है, 100,000। अच्छा, इसमें पाकिस्तानी उसमें दिया हुआ है, तो बेटा इसमें तो, लेकिन ये तो आपके पास 100,000 आना चाहिए, यूनिट 10,000, 10,000 लेख, तो चले इसमें जो दिया हुआ है वो लेख का आंसर आ रहा है, तो लेख का आंसर आ जाएगा। वैसे अगर लेख हम लिखेंगे तो कॉम आना चाहिए दरमियान में, जो कि उसने डाला नहीं है, या फिर अगर हम लेख लिखेंगे तो फिर हाँ, ये इंटरनेशनल में दिया हुआ है, यूनिट 10,000, 10,000, 100,000, यहाँ पर उसका आंसर गिवन नहीं है, लाख में गिवन है, लेख तो आपके पास है, 8 लेख बन रहा है, लेख सही है, लेकिन फिर यहाँ पर कॉमा डालना चाहिए था, जो कि उसने डाला नहीं है। ठीक है, तुम्हारा लिए उसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, 5 बिलियन इज ग्रेटर देन 5 अरब्स, ट्रू है फॉल्स है। 5 बिलियन क्या होता है, देखिए यूनिट, अच्छा ये नजर नहीं आ रहा था, मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं इधर से आपको बोर्ड पे करा देता हूँ, इसको जरा मिटाइएगा। देखिए ये देखें, यूनिट 10, 100,000, 10,000, मिलियन, अच्छा 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, तो 5 बिलियन ये हो जाएगा आपके पास, ये 5 बिलियन आ जाएगा। अब अरब देखें, 5 अरब, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लैख 10 लैख, करोड़ 10 करोड़, अरब 5 अरब। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 5, 9, 0, 5, इधर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और तो 5 अरब और 5 बिलियन सेम है, 5 अरब इज इक्वल टू 5 बिलियन, आर यू गेटिंग इट। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि 5 बिलियन इज ग्रेटर देन 5 अरब, तो गलत साबित, तो गलत हुआ ना यार, इक्वल है। ठीक है, यार के पास क्या, ये इक्वल है, ठीक है, 5 बिलियन इज ग्रेटर देन 5 अरब, तो दिस इज नॉट ग्रेटर देन 5 अरब, दीज आर इक्वल, इक्वलिटी सिंबल आना चाहिए, तो आपके पास ये क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है, पेंसिल का है बेटा, ये पेंसिल हमने इधर की रखी हुई थी। यहां इसकी जगह ये सिंबल आना चाहिए, तो ये गलत है। ठीक है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। सम ऑफ 2, 3 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 3 डिजिट नंबर, कहते हैं कि आपके पास 2 नंबर्स है जो 3 डिजिट्स नंबर्स हैं, जैसे 100 है और 101 है, 300 और 300 है, 600 और 300 है, 545 और 945, इस तरह के नंबर्स हैं, मतलब 2 नंबर्स हैं जो 3 डिजिट्स के हैं, हंड्रेड्स में हैं, समझ रहे हो ना। अब वो ये कह रहे हैं कि इस उसका जो आंसर आता है, जब आप उनको ऐड कर देंगे तो उसका जो आंसर आता है वो 3 डिजिट नंबर आता है, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए 3 डिजिट नंबर आता है, हमेशा के, देखिए 3 डिजिट नंबर आ भी सकता है, जैसे 600 और 300 कितने हो गए, 900, तो ये भी 3 डिजिट नंबर है, आंसर भी 3 डिजिट नंबर है। 500 प्लस 400 900, 500 प्लस 300 800, 400 प्लस 400 800, 600 प्लस 100 700, तो बहुत सारे केसेस में आपके पास 3 डिजिट नंबर आता है, और बहुत सारे केसेस में आपके पास 4 डिजिट नंबर भी आता है। 500 प्लस 500 कितना होता है, 1000, कितना डिजिट नंबर हो गया, 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो ऑलवेज गलत हुआ। 900 प्लस 300 कितना बनता है,
1200 कितना हो गया, कितने डिजिट का हो गया, फोर का। 1200 में फोर डिजिट्स आ रहे हैं, 1200 में दो जीरोस और वन और टू, तो फोर डिजिट्स आ रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास जब टू थ्री डिजिट्स नंबर आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर भी थ्री डिजिट के नंबर का हो, बल्कि वो फोर डिजिट नंबर भी आ सकता है। मेरे ख्याल में बच्चों को इसमें थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगी, तो मैं आपको उसको इधर यहाँ पे बोर्ड पे समझा दूँ। ये देखें, वो कहते हैं कि भाई अगर आपके पास कोई थ्री डिजिट नंबर है, जैसे मिसाल के ऊपर 312 है, प्लस एक और कोई नंबर ले ले 103 है, लेट्स से 103, ये भी थ्री डिजिट नंबर है, ये भी थ्री डिजिट नंबर है, 1 2 3 1 2 3, अगर आप इनको ऐड करो 3 + 2 5 आ रहा है और 1 आ रहा है और 3 + 1 4, तो इसका जो आंसर है वो भी थ्री डिजिट नंबर आ रहा है, ठीक है। वो ये अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमेशा जब आप ऐड करो इन दोनों को तो हमेशा के लिए तीन डिजिट्स आने चाहिए, तो हमेशा के लिए नहीं आ सकते, ज़रूरी नहीं है कि हम, मतलब बहुत सारे आ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हम एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें आपके पास थ्री डिजिट आंसर आ जाता है। लेकिन ऐसे भी नंबर्स है जैसे 912 + 315, अब आप ऐड करें तो 5 + 2 7, 1 + 1 2, 3 + 9 12, कितने डिजिट्स हो गए, 1 2 3 4, तो रॉन्ग हो गया ना। ऑलवेज मतलब नहीं है, थ्री डिजिट्स भी आ सकता है, फोर डिजिट्स भी आ सकता है, तो उसका तो इसका ये कहना है कि ऑलवेज थ्री डिजिट्स नंबर है, ये उसका गलत कहना है, ठीक है, इसमें कोई सदाकत नहीं है मेरा बेटा, ठीक है। तो ये तो ये हमारे पास कहाँ है, हम कौन सा कर रहे थे, सम ऑफ थ्री डिजिट नंबर इज ऑलवेज थ्री डिजिट नंबर नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। 1 million इज इक्वल टू हाउ मेनी लैक्स, 1 million के अंदर कितने लैक्स होता है मेरा बेटा, 10 lakhs होता है, 10 lakhs होता है, मैं बताता हूँ। 1 million के अंदर एक 1 million लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कितना आंसर, वैसे 10 lakh आता है, मैं आपको समझा देता हूँ आंसर भी आ जाएगा कैसे। देखिए आप 1 million बना ले, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, अब उसको लैक में कन्वर्ट कर दें, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, तो कितना बन रहा है, 10 lakh बन रहा है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, तो ये आपके पास कितना बन रहा है, 10 lakh, ठीक है। तो आपकी आपकी ये जो एक्सरसाइज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो था, MCQs जो थे, ये आपका भी हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है, और ये आपका चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 3 फैक्टर्स इन मल्टीपल्स, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये चैप्टर नंबर 3 होगा, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, और चैप्टर नंबर 2 आपका फिनिश हो गया। थैंक यू।